बाघों के शहर में बूंदाबांदी के बाद धुंध का राज, हद्द निगाह 100 मीटर तक रह गई। खून की बढ़ने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज शहर का मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का मौसम, हर जगह करंट का खतरा। शहरी बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा होने से गुरेज करें। गीले हाथ स्विच को मत लगाएं। लेस्क्यू ने शहरियों और अमले के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का ख्वाब चकनाचूर। लाहौर में पोलियो के मरीज की तस्दीक। कोट ख्वाजा सईद के 8 मार्क्स के याशिफ में पोलियो वायरस मौजूद। कौमी इदारा सेहत ने याशिफ में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। सर्विसेज के बाद अब एक और अस्पताल। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को जिला अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मेडिकल बोर्ड और जाती मॉलेज की दरखास्त पर फैसला किया। अस्पताल में तमाम तिबी सहूलियात मुयस्सर होंगी। नवाज शरीफ को आज किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। आईजी जेल खानाचार मिर्जा शाहिद सलीम बे की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। 3 शिफ्टों में पुलिस अफसरान, नहलकार और कुतायनात किया जाएगा। सादा लिबास और एलीट फोर्स के अहलकारों की भी ड्यूटी। एक शिफ्ट में DSP, 2 इंस्पेक्टर्स, 80 अहलकारों को तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ का इलाज नहीं, हुकूमत तंग कर रही है। मियां साहब को दिल का मसला है, सहूलतें चाहिए। जिना में कार्डियक वार्ड है मगर सहूलतें नहीं। मियां नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत है। हुक्मरान अपने दिल से नवाज शरीफ का हसद निकाल दें। ख्वाजा इमरान नजीर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। अब बारात भी आएगी, बैंड भी बजेगा। शहर में 85 शादियां मुतासिर होने से बच गईं। लाहौर के 29 शादी हॉल्स डी सील करने का हुक्म। मुख्तलिफ मुकामात पर बंद शादी हॉल्स के ताले खोल दिए गए। आमिर रोड शादबाग के 7 शादी हॉल्स डी सील। पाकिस्तान में राजपा रोड के 17 हॉल्स भी खुल गए। बागवानपुरा और ताजपुरा के 5 शादी हॉल्स की बत्तियां भी ऑन। अहम इशू उठाने पर लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे। शुक्रिया लाहौर न्यूज़ का भी, कर्नल मुबशर साहब का भी कि उन्होंने हमारे ऊपर इसकी मेहरबानी की है। उनके भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम बहुत खुश हैं, शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर न्यूज़ का। और जिन जिन कारोबार हमें वापस मिल गए हैं, जो हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे थे उनका रोज़गार चल पड़ा है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका मलिक साहब, लाहौर न्यूज़ का, दुनिया न्यूज़ का थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद हमारे हाल कर्नल मुबशर साहब हो गए और DC साहब जो हो गए, इनका सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ ने जो हमारे साथ एफर्ट की है मिलके, हम अपने टाउन में गए हैं, जाके AC साहब को मिले हैं, उसके बाद CO साहब से मिले हैं, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। आप लोगों ने हमारा बहुत फेवर किया, मेयर लाहौर साहब का बहुत शुक्रिया। शादी हॉल्स को कागजी कार्रवाई के लिए 3 रोज़ की मोहलत। मालिकान 18 फरवरी तक नक्शे रजिस्ट्रियाँ जमा करवाएं। मेयर मुबशिर जावेद 3 रोज़ में रेगुलराइजेशन के दस्तावेजात पेश करें। कमिश्नर मुश्तबा फराचा, एक अहम इशू पर लाहौर न्यूज़ ने जगाया। अरबाब इख्तियार को मामला हल करने पर उकसाया। मेयर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर 3 बड़े सर जोड़कर बैठ गए। मुश्तरका इजलास में शादी हॉल्स फौरी खोलने का फैसला किया। आवाम के लिए हॉल्स खोलने का फैसला किया। मेयर लाहौर की न्यूज़ से गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। अदालत का ओपोजिशन लीडर को रिहा करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। रमजान शुगर मिल्स के अलावा कोई स्कीम बनाई? जस्टिस शहजाद का इस्तफसार। दीगर इलाकों में भी ऐसी स्कीमें बनाई? वकील शहबाज शरीफ। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ का फिजिबिलिटी के दस्तावेजात बारे इस्तफसार।
सारा रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। वकील का जवाब, अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की कहीं बददियानती साबित नहीं हुई। वकील आसम तारड़ की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ का आज लाहौर आने का भी इम्कान। हस्बे साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं इस पर, वो इतनी खुशी ना मनाएं। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहे हैं, वो चलता रहेगा। जमानत हुई है, रिहाई नहीं, केसेस खत्म नहीं हुए। नून लीग वाले यूं खुशियां मना रहे हैं जैसे रिहा हो गए हों। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाज़ुल हसन चौहान का रद्द अमल, बोले शहबाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। शहबाज और हमजा ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद नैब पर बरहम, कहते हैं जब सबूत मुकम्मल नहीं थे तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया, नैब को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अदालतों का निजाम सबके सामने है, प्रोसिक्यूशन को बहुत मजबूत होना चाहिए। सिस्टम के अंदर बहुत से लकूनेज हैं, इसमें ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन, उसको बड़ा मजबूत होना चाहिए। और ये जो आज का फैसला है, इसके बाद भी जिस तरह आपने कहा बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नैब को भी जो केस बनाने चाहिए उसमें जब तक मुकम्मल तौर पर पूरे सबूत ना हो इस तरह के काम नहीं करना। आशियाना इकबाल स्कैंडल, नैब का हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अदालत का फैसला मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। नैब जराए साफ पानी कंपनी केस में भी नैब का हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला, नकाब तैयार कर लिए। ऑफशोर कंपनियां बनाने का केस, गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब टीम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। हालत ये हो गई है कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया, कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तला'आत फयाज़ुल हसन चौहान पर जादू हो गया। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं अगर कोई दम करता है तो हमें भी दम आता है, अल्लाह ने हमें भी कुछ दे रखा है, हम अपनी नस्लों को पालने नहीं आए, जिसका फंड होगा उसी शोबे पर खर्च होगा। अल्हम्रा में मुन्नू भाई की याद में तकरीब से खिताब। सानेहा साहिवाल, हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। साहिवाल ऑपरेशन की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म, सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 1 माह में जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। अदालत के रिमार्क्स, एनी शाहिदीन के बयानात क्यों कलमबंद नहीं किए गए। चीफ जस्टिस का जेआईटी के सरबरा एजाज शाह पर बरहमी का इजहार, अफसोस की बात है आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, क्यों ना आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, ये कोर्ट ऑर्डर है, अपनी अफसरी ना दिखाएं। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान का एजाज शाह से मुकालमा। हाई कोर्ट का मकतूल जिशान के भाई एहतशाम का बयान, कलमबंद करने का हुक्म। मकतूल खलील के लवाहिकीन और जिशान का भाई एहतशाम अदालत में पेश, जीआईटी परत में एतमाद का इजहार। एहतशाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जीआईटी पुलिस अहलकारों को बेगुनाह साबित कर रही है। जिशान ने अदील हफीज से नहीं इंटरनेट की वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदी। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, 22 ऐनी शाहिदीन ने फायरिंग करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारान की शिनाख्त कर ली। गवाहों ने पुलिस अफसरान की तस्वीर से शिनाख्त की, 90% गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। खुरम नवाज गंडापुर और मदई जवाद हामिद का बयान भी कलमबंद। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की जमानत का मामला, थाना किला गिजर सिंह ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कत्ल केस में बेगुनाह करार दे दिया। सेशन कोर्ट ने आबिद बॉक्सर के कत्ल केस में अबूरी दरखास्त जमानत वापस कर दी। अदालत ने आबिद बॉक्सर की फ्रॉड समेत 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 23 फरवरी तक तोसी करते हुए थाना मिलत पार्क और नसीराबाद को हतमी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। नैब कवानीन के तहत शहरियों के खिलाफ मुकदमात और सजाएं कलदम करार देने के लिए दरखास्त,
لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، درخواست میں نیب آرڈیننس کے تحت تمام سزاؤں پر حکم امتناع جاری کرنے کی بھی استدعا کی گئی۔ نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس ریٹ لے کر نہیں آتا، جو صاحب استطاعت ہے حج کر لے، سبسڈی کی کیا ضرورت، حکومت کی پالیسی ہے، عدالت کیسے مداخلت کرے، اگر پالیسی پسند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دیں۔ جسٹس فاروق عرفان خان کا درخواست گزار سے مکالمہ، ہائی کورٹ نے حج پالیسی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروائیاں، اندرون لاہور خلیفہ بیکرز پر چھاپا، ایف بی آر نے خلیفہ بیکرز سے 1,20,00,000 کی ریکوری کر لی۔ مغل پورہ نعمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر، ڈپارٹمنٹل سٹور سے 80,00,000 کی ریکوری کر لی گئی۔ بٹن دبائیں، اپنی آواز اعلی حکام تک پہنچائیں، پولیس بارے شکایات کے لیے پکار 15 سسٹم تیار، 15 مارچ کو لانچ کیا جائے گا۔ ایم ڈی سیف سٹی ایڈیشنل آئی جی علی عامر ملک کہتے ہیں جدید سسٹم سے عوامی مسائل اور پولیس ریفارمز کا جائزہ لیں گے۔ جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس تیار، ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس کی سکین کالج میں ہنگامی مشقیں، پیشہ ورانہ امور کا عملی مظاہرہ، مشق میں ڈالفن، پیرو، ایلیٹ، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی شرکت، اہلکاروں نے فرضی دہشت گرد کو گرفتار کیا۔ اساتذہ اور امتحانی سینٹرز کی کمی، میٹرک کے سالانہ امتحانات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی تعاون نہیں کر رہی، تعلیمی بورڈ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو خط لکھ دیا۔ اسی ہوٹل میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے ورکشاپ کا انعقاد، وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز، چیئرمین پی این ڈی حبیب الرحمان، چیئرمین پی بی آئی ٹی افضل منظور، گلوبل پریکٹس مینیجر ورلڈ بینک اور ٹاسک ٹیم لیڈر ورلڈ بینک نے شرکت کی۔ ورلڈ بینک کے نمائندگان نے پنجاب پبلک مینجمنٹ ریفارم پروگرام پر اظہار خیال کیا۔ اشاروں پر ناچتے ننھے فنکار، رفی پی تھیٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا، لوک گیت سمیت دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ۔ اور بھی دنیا میں سفنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیان، اور ایسا انداز بیان جس کی چھاپ اردو ادب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ اردو کے غالب مرزا اسداللہ خان غالب کی 150ویں برسی، مرزا غالب صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے، عام زندگی میں دوسروں سے الگ تھلگ تو شاعری میں بھی اپنا راستہ جدا تھا۔